आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख दे। असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। सदर का मौके। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। विफाकी और सूबाई निगरा वज़राए कानून का इत्तफाक। मुलाकात में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की अहमियत पर जोर। कहा इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा है, तमाम इदारे खुदमुख्तारी का एहतराम करें। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतलका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। ना, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब है, मुझे भी नहीं मालूम, मगर एक जमात तारीख दे रही है। उस जमात को कैसे पता कि इंतखाबात फरवरी में है। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नून लीग परवार। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना करें तो क्या करें। इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे। नए मिसाक जमहूरियत के लिए कोशिश की मगर कामयाब ना हुए। कोई सियासी जमात तन्हा मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। 9 मई वाकयात में मुलविस जमात को कामयाब नहीं होने देंगे। नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलेक्शन में पार्टी को लीड करेंगे। तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग जो 9 मई वाकयात में मुलविस थे उनको पार्टी से अलग कर देना चाहिए। कौमी इदारों के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं, वन नेशन वन लॉ ही रहेगा। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। किसी को आइन और कानून यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वजीर आजम का दो टूक ऐलान। कहा किसी भी गैर मुल्की इदारे को मुदाखलत की इजाजत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में तकर्री के लिए बोलियां नहीं लगेंगी। माली मसाइल हल करेंगे, गलत फहमियों का खात्मा करेंगे। बिजली के भारी बिल्स में रिलीफ की राह में नई रुकावट। आईएमएफ ने 5 शराइत रख दी। सनतों की मदद खत्म करने का मुतालबा। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। आलमी मालियाती इदारे ने तहरीरी मुआहदा मांग लिया। शराइत पर अमल के लिए वक्त दिया जाए। वजारत खजाना का मौकफ। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज। 222 मुकदमात दर्ज, 6 गिरफ्तार, 411 कनेक्शन मुनकता, 3,72,00,000 के डिटेक्शन बिल जारी। मैपको ने अदायगी ना करने पर 25 से ज्यादा ट्रांसफार्मर उतार लिए। ननकाना साहब में 35, पसरूर में 142 मुकदमात दर्ज। बिजली का बिल ना देने वाले बड़े बड़े हाथियों पर कौन हाथ डालेगा। मुख्तलिफ वजारतें डिविजन्स और सरकारी इदारे आइस्को के 50 करोड़ रुपए के ना दहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख, पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख और FBR को 1 करोड़ 54 लाख रुपए अदा करने हैं। काबीना ब्लॉक सेंट और पंजाब हाउस पर भी लाखों रुपए वाजिबुल अदा है। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को FBR से रिलीफ मिल गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। PIA की रवामा 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करने की यकीन दहानी। माफिया के खिलाफ एक्शन का असर, रुपया मजीद तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1.06 रुपए सस्ता, 298.82 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी संभल गई, 1 रुपए महंगा होकर 300 में फरोख। साइफर गुमशुदगी केस खसूसी अदालत का FIA को चालान जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरेशी के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी। तोशाखाना केस में सरबराह तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वापस लेने की मुखालफत।
निशाना है 9 मई के दो मुकदमात। फरोख हबीब, मुराद सईद और मियां असलम इकबाल समेत दीगर पीटीए रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। पंजाब हुकूमत 9 मई के मुकदमात का जल्द से जल्द फैसला कराने के लिए मुतहर्रिक। निगरान वजीर आला का तमाम मुकदमात के चलान 3 रोज में जमा कराने का हुक्म। मुलजमान का जेल में रोजाना ट्रायल पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। तारा शरीफ कत्ल केस, मकतूला के 5 बहन भाई बाजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम इरफान शरीफ, सुतेली वालदा बेनिश और चचा फैसल की तलाश जारी। 10 साल की सारा को गुज़श्ता माह बरतानिया में कत्ल कर दिया गया था। माहौलियाती तब्दीलियों के होलनाक असरात, 11 दिनों में 8 बदतरीन तूफान। लीबिया में डैनियल, 5,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया, 10,000 से ज्यादा लापता। ब्राजील में लैंडस्लाइडिंग से 50 अफराद लुकमा अजल बने। यूनान, तुर्किया और बल्गारिया में 20 से ज्यादा अमवात। हांगकांग में बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। एशिया कप का अहम तरीन मैच, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कल कोलंबो में टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। बड़े मैच से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, नसीम शाह इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर। जमान खान को बतौर मुतबादिल शामिल कर लिया गया। वनडे में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार, आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल की दूसरी पोजीशन, बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड सर फहरिस्त, शाहीन अफरीदी का 10वां नंबर। पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। मेगा इवेंट के लिए 5 दोशीजाओं का इंतखाब, अरिका रॉबिन, हिराइना, जेसिका विल्सन, सबरीना वसीम और मल्लिका अलवी शामिल। बड़े मुकाबले तक किसे रसाई मिलेगी, फैसला कल हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। मेगा इवेंट के लिए 5 दोशीजाओं का इंतखाब, अरिका रॉबिन, हिराइना, जेसिका विल्सन, सबरीना वसीम और मल्लिका अलवी शामिल। बड़े मुकाबले तक किसे रसाई मिलेगी, फैसला कल हो जाएगा। और शहर इक्तदार में श्रीलंकन सकाफत के जलवे, फनकारों ने आजा की शायरी से हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। तकरीब में पाकिस्तानी कथक भी तवज्जो का मरकज़।